आज हमें पापा ने यहाँ पर आवाज़ मारी थी, हम लाल बाग नहीं जा पाए, तो उन्होंने कहा था कि आज आप वहाँ नहीं जा सकते, तो आप मेरे पास आओ, और आना ज़रूरी है क्योंकि हर साल मैं जाता हूँ और ये भी जाती है मेरे साथ। सो आई एम हैप्पी कि पापा ही जाते थे, हम एक आशीर्वाद दे के जा रहे हैं ताकि हमारी आगे की लाइफ अच्छी रहे, और इसी टाइम पे हम मिले थे और इसी टाइम पे हम अभी शादी कर रहे हैं, सो सब अच्छा है। हम एक्चुअली काम करने से पहले हम ऊपर वाले को याद करते हैं, तो हमारी फैमिली हमने एक साथ ही फैसला किया था कि पहला कार्ड हमेशा उन्हीं को उनके दर्शन किए जाएंगे, उसके बाद हम बाकी लोगों को बांटेंगे। सो यस, थैंक यू बोला है, हम एक दूसरे की लाइफ में आए हैं उसके लिए, और बस ऐसे ही अच्छा सब कुछ अच्छा रखे, और क्या चाहिए, आशीर्वाद चाहिए बस बप्पा का। बताइए क्या कहना चाहिए, किसके बारे में, सॉरी मेरे क्वेश्चन, ये बल पंडाल, ओके एक्चुअली हमारा यूथ जो अभी है वो बहुत समझदार है, और जो हमारा यूथ अभी ये सब कुछ संभालता है, पंडाल वगैरह, आज मैं देखता हूँ कि जहाँ भी जाता हूँ मैं, वहाँ पे यंगस्टर्स ही हैं जो सारे काम कर रहे हैं, एंड वो जब लोगों को मैसेज देते हैं तो उनको वो सुनते हैं, तो उनको वो सुनते हैं, और अगर हमारा ये यूथ समझदार हो रहा है तो हमारा फ्यूचर ब्राइट है। बीच में हम फॉलो कर, कभी कभी मैं स्क्रॉल करते हुए देखता हूँ जो मुझे दिखता है, वहाँ पर पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि मैं शूट पे होता हूँ, ये बिजी होते हैं, तो बाकी यस, हर साल नया कॉन्सेप्ट होता है, नई कंट्रोवर्सी होती है, नए तरीके होते हैं खेलने के, सो हमेशा मज़ेदार होता है बिग बॉस। बिग बॉस तो अब तो हमारे लिए और ज़्यादा मज़ेदार है जब से हम एक दूसरे से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जब भी टाइम मिलता है हम लोग देख लेते हैं, पहला एपिसोड तो हमने दोनों ने देखा है, दोनों ने देखा है, उसके बाद हम लोग शादी की तैयारी में बिजी हो गए, लेकिन जहाँ भी पता लगता है हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं कि क्या चल रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स जिस दुनिया से हम निकल के आए हैं हम लोग फील कर सकते हैं कि अंदर क्या होता है और बाहर की दुनिया क्या देखती है, तो इट्स अमेजिंग। एडवाइस कुछ नहीं, एडवाइस यही होती है कि हर किसी के लिए कि आप जब भी बिग बॉस में आएँ या कोई भी शो में जाएँ तो प्लीज़ बी रियल, जब आप अच्छे इंसान अच्छे एक इंसान उनके खेल गेम खेलेंगे तो जीत तुम्हारी होगी। या यू नीड टू बी योरसेल्फ, जस्ट बी योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस, आप हमें बहुत सारा प्यार करते हैं और हमें आपकी प्यार की और ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप अब तक आपने ब्लेसिंग्स दी हैं और अब आगे भी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। हेलो मिमल्ने యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా? ఇంకా లేదా? మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్లి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.